भाइयों और बहनों, यहां अनेक साथी टेक्सटाइल के काम से जुड़े हैं। हमारे बुनकर भाई बहन मेड इन इंडिया के भी शिल्पकार हैं। संबलपुरी साड़ियां, ये तो नाम दुनिया भर में है। हम हथकरघा को हमारे टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष बल दे रहे हैं। भाजपा सरकार टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई के लिए बुनकर के बच्चों को 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रही है। पिछले 10 वर्षों में 600 से अधिक हैंडलूम क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इनमें अब तक हजारों बुनकरों की ट्रेनिंग हो चुकी है। बुनकरों को नई मशीनें, नए उपकरण दिए जा रहे हैं। हथकरघा बुनकरों को रियायती दरों पर कच्चा माल यानी धागा दिया जाता है। कच्चे माल को लाने का खर्च भी सरकार वहन करती है। इसके अलावा श्रमिकों को कर्जे और वर्कशेड भी दिया जा रहा है। मुद्रा योजना के माध्यम से भी बुनकरों को बिना गारंटी का ऋण मिलता है। ओडिशा भाजपा ने 3 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। बुनकरों और हथकरघा श्रमिकों को सम्मान निधि देने की भी घोषणा की है। ये सब आपके लिए क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं आप ही की तरह गरीबी से निकल करके आया हूं। गरीब की जरूरतों को मैं समझ पाता हूं। आपका दुख दर्द, आपकी जरूरतें अगर मोदी नहीं समझेगा तो कौन समझेगा?